everyone. So you have Sonu Nigam here in the house. साथ में ये दिख रहे हैं मालूम है कौन है? आयुष. तो ये पहला शूट है जो पाइप में वीडियो शूट हो रहा है और आयुष है. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये फिल्माया जाएगा. और सोनू निगम जी ने अपनी आवाज दी है. विभास जी का म्यूजिक है इसमें. गाने का क्या चीज है? मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा. ये सब ब्रेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपना योगदान दिया और अपना पूरा सपोर्ट है मुझे जो हमेशा उनका रहा है और इस गाने के लिए भी है. और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम दोस्ती के ऊपर लेकर आ रहे हैं और कॉलेज लाइफ के ऊपर कि कैसे कॉलेज लाइफ में किस तरह की मस्ती रहती है. इस तरह का एक बहुत ही मॉडर्न डे गाना हमने तैयार किया है. सर ने उसमें अपनी आवाज दी है और मेरा म्यूजिक है. सोनू सगू ने गाना लिखा है और जनवरी में हम इसे रिलीज करेंगे. या प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज सेटल डाउन एंड डोंट मेक नॉइज. नो एंट्री शुड बी अलाउड फ्रॉम द मेन गेट एंड दीज टू साइड गेट्स इन द फ्रंट. वेलकम टू पानीपत. सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्या कॉन्सेप्ट है किसी आज पानीपत आए हैं आप. लाल जी नमस्ते जी. गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ यू डूइंग? गुड टू सी ऑल ऑफ यू. मैं पानीपत में पहली बार आ चुका, पहले भी आ चुका काफी बार, लेकिन मैं आज आप लोगों की पाइट में पहली बार आ रहा हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन सॉल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट गोज टू विभास ओवर हियर. विभास इज द कंपोजर. इज अ यंग बॉय, यंग मैन, यंग लैड. आप ही इलाके से हैं. करनाली है, करनाली है, करनाली है. सो और मैं भी हरियाणा में पैदा हूँ तो मैं भी थोड़ा हरियाणवी हुआ की तरह से. सो इट्स गुड टू बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर रूट्स. एंड स्टॉप टॉकिंग, क्वाइट. यस, लिसन टू मी. So we are here for a very nice thing. Generally we shoot videos in Bombay and other places, in, but it's interesting to shoot a video in your place, like in your institute. And I've heard so much about it. PITE is doing such a good thing. Up to 3600 students are there. So and during that, I felt good. A little bit more talk about it. You guys are good. A lot better. A little bit more peace. So we are shooting the song. Ayush is here, who's going to be एक मिनट दादा मैं कल के ही गाने के लिए फोन आ रहा है क्योंकि जो हम गाना शूट कर रहे हैं उसकी प्रोग्रामिंग चल रही है अभी. एक मिनट सनी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तुम्हारे गाने के लिए. आई कॉल यू बैक क्योंकि हम लोग इतना. आई जस्ट कम फ्रॉम लेगोस. मैं नाइजीरिया में था, उसके पहले मैं अज़रबैजान में था. तो मैं आके सोया ही नहीं हूँ. आके एक घंटा सोया, उसने मुझे उठा दिया. ये पकड़ो उसको. और मैं नींद ऐसे उठ के आ गया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कुछ मुझे पता ही नहीं जा रहा था. सो आई बीन रियली वर्किंग ऑन, वी हैव बीन मल्टीटास्किंग. द सॉन्ग आई सैंग 3 डेज बैक है ना, परसों तो अंतिम दिन लिखा था. देन आई वेंट टू बिग एलर्जी, मेरे पूरा फेस लाल हुआ था, वो जग जग के ऐसे हो गए. देन आई जस्ट सैंग द सॉन्ग एंड उसके बाद निकल गया नाइजीरिया के लिए. अभी आया हूँ तो प्रोग्रामिंग भी चल रही है, इसलिए फोन आ रहे हैं क्योंकि वी नीड टू मेक अ गुड सॉन्ग. इट्स अ सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप. और अभी तो आप लोग हैं यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा, जब आप छोड़ेंगे तब समझ आएगा आपको ये गाने के क्या मायने हैं, क्या मान रहा है. सो जितने भी लोग सिंस यू हैव यू नो नाउ स्टडी ओवर हियर, यू मेड फ्रेंड्स, यू मेड रिलेशनशिप्स, सो द सॉन्ग इज ऑल अबाउट दैट. एंड व्हाट एल्स यू वुड आस्क मी. हां जी पाजी. सो सोनू जी, हां जी, दूसरा है ये है कि एक दो फिल्म आप देखिए सिस्टम ड्यूटी मेरे साथ. मैं भाग्य को बहुत मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि मैं अपना हार्ड वर्क करता रहूँ लेकिन किस काम पर क्या नतीजा आएगा ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है. वरना ऐसे होता है हर इंसान जो चाहता है वो हो जाता है, ऐसे नहीं होता कभी. तो क्या हो गया कि मैं मेहनत कर रहा था लेकिन जो मेरे आसपास के जो लोग थे जो कभी ना हर चीज़. अब देखिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इतनी बड़ी फिल्म थी, इतनी अच्छी फिल्म थी, लोग उसके रिव्यू अच्छे नहीं दे रहे. हमने देखी नहीं है पर रिव्यू अच्छे नहीं दे रहे. इसका मतलब ये तो नहीं कि आमिर खान खराब एक्टर है, इसका मतलब कि अमिताभ बच्चन खराब एक्टर है. कभी भी कोई चीज़ नहीं जमती, कुछ चीजें हो जाती हैं. हम मेहनत करते हैं, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता. आपने भी ऐसे किया होगा शायद, कभी कभी आपने जिंदगी में से कुछ कोशिश की होगी कि यार हम कुछ कर जाएं पर हो नहीं पाता. वो भगवान की है, नेमत होती है सब. तो वो मुझे लगा कि यार मैं वही काम करूं जहां मुझे
एक आसपास का वातावरण थोड़ा सा मेरे मुताबिक लगे। कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं पर हमारे दिल नहीं मिल रहे होते लोगों से, तो यही सोच के मैंने सोचा कि वही काम करूं। और मतलब मैं कभी इतना बिजी था, आज मैं और भी अपने आप को व्यस्त रखता हूं, पर मजा आता है मुझे काम करते हुए, मैं पैशन से काम करता हूं। वरना जिस जो अगर मेरा शेड्यूल है आप सुन लेंगे अगर तो सुन के थक जाएंगे, ऐसा शेड्यूल मेरा, बट आई एंजॉय वर्किंग एंड वही काम करूं जो मुझे मन से चलता है। तभी रियलिटी शो में कभी आपको देखा नहीं, बहुत कम देखा रियलिटी शो में, मेरे ख्याल तो मैं तभी नहीं आया। नहीं नहीं आपने देखा नहीं पाजी, मैं तो लास्ट ईयर था ना, मैं इंडियन आइडल में था जज, लास्ट ईयर जज था। फिर अभी कॉमेडी सर्कस में भी मैं आया था, मेरे गाने के लिए गाना आया टूटा, एक नया गाना आया अभी, वो भी मैंने अभी शूट किया था, तो उसकी प्रमोशन के लिए भी सर्कस में गया था। पर रियलिटी शोज में मैं काफ़ी तो पहले ज़्यादा ही था, लेकिन अभी क्या हो गया कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऑनेस्टली टीवी इंडस्ट्री में पैसा नहीं रहा अभी तक, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। और फिर वो शर्म के मारे फिर वो आते भी नहीं कि इतना कम करेंगे से, ऐसे भी बात है, ये फैक्ट है। अभी अमेजोन क्या है वो नेटफ्लिक्स एंड ऑल वो है वूट है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें पैसा सारा लोगों का वहाँ जा रहा है, तो पैसा बढ़ गया है। तो मैं भी वही काम करना चाहूँगा जहाँ पे मुझे एक इंसान हूँ कितना कर लूँगा, रियाज भी करना पड़ता है, नियमित फिट रहना पड़ता है नियमित। ये देख सकते कि मोटा पेट करके बैठ गए हम लोग, अभी सिंगर है हम लोग, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। आई स्टे फिट ऑल्सो एंड आई वर्क हार्ड भी, चाहे म्यूजिक कर रहे होते हैं या शोज कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है जिंदगी में। तो वही काम किया जाए तो ठीक है। मुझे लगा कि टीवी मेरा इतना भी मेरा मन नहीं था, भविष्य में कुछ आएगा तो मैं जरूर करूँगा। सोनू जी, मी टू जैसे अभियान जो है समाज के लिए अच्छी पहल है या मिस यूज हो रहे हैं इन चीज़ों का? देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, कोई भी काम होता है, जैसे राजनेता भी अच्छा राजनेता भी होता है और खराब राजनेता भी होता है। ये तो है नहीं हर कुछ हो रहा है ना, हर बिजनेसमैन अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है, हर ये व्यक्तिगत चरित्र पे बात है। तो हाँ जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है, एक्चुअली बहुत लोगों को तंग किया गया है, बहुत लोगों को तंग किया गया। मैं देखा हूँ, मैं मुझे इंडस्ट्री में आए हुए 27 साल हो गए, मुझे फेमस हुए 26 साल हो गए, तो आप सोचिए मैंने कितना जमाना देखा है। और मुझे स्टेज पर गाते हुए 41 साल हो गए, 41 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, 41 ईयर्स में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 41 ईयर्स। आपका कहने की हरियाणा से आपका ताल्लुक रहा है? जी हाँ, हरियाणा के बारे में क्या राय है आपकी? अरे हरियाणा तो अब मैं क्या राय दूँ, हरियाणा को राय देके फंसना है क्या? हरियाणा भी लोगों से हर कोई डरता है, तो राय क्या देंगे हम उन्हें? बड़े क्या बोलते हैं, बुलंद होते हैं, खुले के होते हैं। और पर मुझे ये लगा था, बस आज मैं देख रहा था तो इतनी अच्छी जगह है, इतने खूबसूरत लोग हैं, सब कुछ है, और सड़कें फड़कें मुझे इतना मज़ा नहीं है देखकर। आई फेल्ट कि, और ये ऐसा नहीं कि मतलब बॉम्बे में बहुत कमाल सड़कें हैं, बॉम्बे में भी बहुत ऐसी जगह है जब बहुत सड़कें खराब हैं कुछ भी, लेकिन ओवरऑल आई थॉट इंडियंस ओवरऑल शुड लर्न टू टेक केयर ऑफ द कंट्री, टू लर्न टू अप्रिशिएट ईच अदर एंड लर्न टू मेक लाइफ ईजी फॉर द इंडियंस अदरवाइज। पर हरियाणा तो मतलब कमाल जगह है ही ऑब्वियसली, एंड मैं अभी खट्टर साहब से भी काफ़ी बार मिल चुका हूँ, फिर मिलने वाला हूँ उसकी वजह से अभी। सो आई हैव एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मुझसे कुछ भी हो सके हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए मुझे, मैं हमेशा तत्पर होगा हमेशा। अभी हरियाणा में फिल्म शूटिंग की साइट्स अभी एक दो दिन पहले कुछ आइडेंटिफाई किया है और फिल्म प्रोड्यूसर्स को बॉम्बे में जाकर उनको इन्वाइट किया जाएगा कि हरियाणा में आके शूट करें। सूरज कुंड बड़कर लेक है, इधर चंडीगढ़ के पास है, मोरनी हिल्स है, कई साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया और गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इनवाइट द फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स इन हरियाणा, तो यू वेलकम दिस। बिल्कुल, मैं तभी तो आया हूँ। मैं भी इसलिए आया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत नाम जब फैलता है कि भाई हमने ये वीडियो वहाँ शूट किया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो टोटा शूट किए थे मैजिका में बॉम्बे के पास में, अभी मुझे फोन आया, वो कह रहे थे वो मेरी इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने मुझे कहा कि वो लगता ही नहीं है कि वो इमेजिका है, तो क्या इमेजिका की बात हो रही है, उसका नाम हो रहा है, जब हम यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे अच्छा से वीडियो बनकर आएगा, अच्छा सा गाना बनेगा, फिर इसको हम प्रमोट करेंगे, तो क्या प्रमोशन होगी? हरियाणा की प्रमोशन होगी, फाइट की प्रमोशन होगी और हमारी म्यूजिक की प्रमोशन होगी, तो चलो जितना हम लोग काम करेंगे यूज करेंगे उस जगह को उतना उसका नाम होगा। थैंक यू। ऑफकोर्स Yeah, the thing is, you're right, and I always like to keep one something that people can remember us by, and I'm hoping that this time the choreographer has done something very catchy, because you know the thing is, it should, जैसे गाना है वैसे डांस भी है,
दो तरह के, अगर आपको दिखाना है कि आप बहुत कमाल के डांसर्स हैं तो अच्छी बात है ना, जैसे हम डोला रे डोला, ऐश्वर्या ने मदद से क्या कमाल का डांस किया है ना, ऋतिक रोशन तो चरण, बट हमको दिखाने से ज्यादा हमको लोगों को एंजॉय करवाना है ना। अब अगर मैं गाना गाऊं सूरज हुआ मदम चांद चलने लगा तो किसको चांद चलेगा साला, सूरज तो बुझ ही जाएगा, तू कोई चलेगा नहीं भी, तो मैं सूरज हुआ मदम ऐसे बहुत अच्छा है तो डांस में भी यही है। अरे तेरी बात क्यों पूरी करे तो यार कमाल, जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना उसे कि मतलब मैं बोलता हूँ कि हमेशा डांस में भी एक ऐसा स्टेप हो कि लोग जानते हैं तू कब जानेगी तू कब ये माँ, इट वाज इजी स्टेप टू डू, पीपल कुड डू दिस, अभी मैं स्टेज पे रहता हूँ लोग करते हैं तुझे तुमने पिता बिजुलिया लोग करते हैं सर, सो वी वांट टू गेट, क्योंकि दोस्ती का गाना है ये, एक मिड टेम्पो डांस नंबर है, समझिए डांस बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डांस कर सकते हैं, है दोस्ती गाना तो दोस्त मिलकर डांस कर सकते हैं, सो आई बी टेलिंग हिम कि मेक श्योर दैट द कोरियोग्राफर हैज अ वेरी नाइस थिंग एंड यू बी सरप्राइज, आपके साथ हम बैठे हैं इस समय भी कार्य प्रगति पर है, सुबह आपको क्या करना है हमें पता नहीं हम लोग को, तो ये सब चल रहा है यहाँ पे सर, सो यस वी विल मेक श्योर दैट समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स आउट ऑफ इट। ठीक है वाह, आप बताओ, मैं तो कॉलेज गया नहीं कभी, आई विल टेल यू नाउ इन दिल्ली टिल 12th स्कूल्स ऑफ कोर्स, सो इन मुंबई वी हैव 10th की 10th की बाद में फिर फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर फिर ऐसे सीनियर कॉलेज जो होता है इन दिल्ली टिल 12th वी ओनली हैव स्कूल्स। अरे भाई प्लीज साइलेंस साइलेंस, बंद कर दो, मतलब चल दो चल दो चल दो, आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड इन 1991 एंड द बोर्ड्स खत्म हुए हमारे मई में एंड देन बाय सितंबर 22nd आई वाज इन बॉम्बे विद माय फादर। So I tried to complete my studies from correspondence, but by the time of exams came, my songs were coming out already, and I was busy. So this is ये भी education है, और ये मैंने अच्छा किया कि मैंने पढ़ाई जारी रखी। आज मेरा सबसे बड़ा टीचर गूगल है और यूट्यूब है, जितना मैं गूगल से सीखा हूँ जितना मैंने पढ़ाई की है जितनी किताबें मैंने पढ़ी है वो बहुत कम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो आई कीप सेल्फ एजुकेटिंग माई सेल्फ, अगर मैं कॉलेज जाता और पढ़ाई ना करता इससे अच्छा तो मैं कॉलेज नहीं कर पढ़ाई कर रहा हूँ। हरियाणवी का मैंने एक गाना गा रखा है, एक्चुअली एक ही दो गाने गाए हैं मैंने हरियाणवी, और हरियाणवी भाषा मैं दिल्ली में भी रहा हूँ ना तो मुझे आती भी नेचुरली, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन अगर आप बात करोगे सब पूरा समझ जाऊंगा हरियाणवी, तो मैंने क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता ही सारे हरियाणवी घूमते रहते हैं। हरियाणा में कितने रहे नाले हैं आप? मैं फरीदाबाद में पैदा हुआ, तो भाई फरीदाबाद, हाँ आप कॉलेज में आए हैं जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? आपका पॉइंट सही है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हर किसी भी युग के बारे में ये बोलना कि आजकल ये खराब है ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे बाप लोगों ने भी ये कहा हमारे बारे में कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे में तो ऐसा होता था। तो ये यंग जनरेशन बैशिंग बंद होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि तुम जो करो ये गलत है, हमने जो किया वो सही था, पहले भी खराब हुए थे ना जब ये, हम तो इतने बेवकूफ हैं एक्चुअली कि हम स्कूलों में उन लोगों के बारे में पढ़ाते हैं जो एक्चुअली मर्डरर्स थे, हम उनको द ग्रेट बोल देते हैं। जी जी। ये राजा कौन थे? राजा वो थे जो अंडरवर्ल्ड जो अब है वो राजा थे, थैंकफुली आप पुलिस है डेमोक्रेसी है तो हम नहीं कर सकते। अब ये अदरवाइज व्हाट वर दीस भाई गूम्स, 10,000 लोग लेके खड़े हो गए चित्तौड़गढ़ के नीचे कि अब लड़के जौहर कर रही है और हम उनकी हिस्ट्री में बात करते हैं हम लोग, है ना? तो वो जनरेशन कौन सी अच्छी थी? दे वर पेड टू रेप पीपल, रेप गर्ल्स, मोलेस्टेशन होता था रस्ते में कोई, आज तो पुलिस है सब कुछ है। So I always say that there is good and bad in every generation. One must try to inculcate that. Having said that, I'll give you what I feel as a message to the young generation is, try to calm down. Oversmart नहीं होना चाहिए बस। हमको सब पता है। Oh, what the hell is happening यार? I don't think this is right. हर बात का opinion नहीं होना चाहिए life में। थोड़ा सा सोच के सीखो पहले। ओपिनियन देने से पहले सीख लो, पहले थोड़ा सा सीख लो किसने क्या अच्छा किया है, कहाँ से क्या मिला है। लोग ट्विटर पर जाकर कुछ भी लिख देते हैं, ये गधा है, ये पागल है, गालियाँ लिखते हैं माँ बहन की उसकी। Why are you doing this? First learn, कोई आदमी कहीं पहुंचा है उसके गुण लो पहले, क्यों आगे बढ़ा है। अगर मैं बैठू सिंगर बोलू अबे ये क्या गाता है यार, है अभी वो क्या गाता है यार, ये गाता है, तुम्हें गधा हो जाऊंगा। आई शुड सी इफ somebody is singing, why is he singing, उसमें क्या अच्छा है, क्या मैं बुला सकता हूँ अपने अंदर में,
और मैं टाइम बेस्ड उनको टूट पड़ गया तो लोग ये बहुत करते हैं टाइम बेस्ड करते हैं चीजों में. आई ऑलवेज फील वन शुड लर्न टू अप्रिशिएट एंड एम्बाइब द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर पीपल इनटू देयर ओन लाइव्स एंड देन दे हैव द राइट टू गिव एनी ओपिनियन. उसके बाद में जब वो टाइम आएगा तो उनको ओपिनियन देने का मन भी नहीं करेगा फ्रेंकली. जब इवॉल्व हुआ था इंसान तो ओपिनियन देता भी नहीं फ्रेंकली. और एक और बता दें, जो हरियाणा के कॉलेजेज हैं या जहां पर भी आए हैं आप, पाइट में आए हैं, यहाँ के बच्चों को किसी को अपना चेला बनाएंगे कुछ सिखाने के लिए, कभी इनवाइट करेंगे आप? मैं जरूर करूंगा, पर मैं आपको बताता हूँ मेरे सॉरी ताकि एक सोनू निगम हरियाणा में भी पैदा हो सके. मैं कभी भारत को रीजन या रीजन वाइज नहीं देखना चाहता कि भाई तुम या तो अभी मेरी मम्मी उत्तराखंड की है थी, मतलब उनका देहांत हो गया 5-6 साल हो जाएंगे इस साल को. अब मैं बोलूँ उत्तराखंड मेरा उत्तराखंड. मैं तो ऐसा आदमी हूँ फ्रेंकली, मैं पेट्रियोटिज्म भी मैं विश्वास नहीं करता. मैं मानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम, हमने ही कहा था ना, हमारे देश ने कहा था उसको, तो हम वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है, पूरा दुनिया मेरा परिवार है. और मैं परिवार की बात करते हुए नहीं, मेरा इंडिया मेरा ये, मेरा राजस्थान, मेरा वो, मेरा मेरे महाराष्ट्र, मेरा ये, तो हम पागल यही तो लड़ते हैं हम लोग. फिर कुछ लोग खड़े हो जाते, बोलते हैं अभी तू मराठी मराठा मानूस, हे तू यहाँ का हरियाणा भी तू, फिर हम अपने को मार देते हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अच्छा है वो कहीं का भी अच्छा हो मैं उसके साथ में हूँ, जो कहीं का भी हो. वन हैज टू एंड, अगर वो क्रिमिनल है तो वो कहीं का भी हो मैं उसके साथ में नहीं हूँ बिल्कुल भी. दिस इज माई स्ट्रेटेजिक लाइफ, फलसफा भी है और जिसकी वजह से मैं अत्यधिक थकान के बाद भी अपने आप को खुश रख सकता हूँ. वो ये है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल जहां जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. थैंक यू. उसका नाम है सोनू सबू. हाँ सोनू सबू निगम जी. तो हम कभी भी बहुत से सिंगर्स यहाँ पे पाइप की स्टेज के ऊपर यहाँ पे परफॉर्म किया है, पर लेकिन हम चाहते थे कि जो सुरु के सरताज माने जाते हैं सोनू निगम जी, कि वो पाइप में आए. और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ही वुड बी स्टेइंग विद अस फॉर 3 डेज. एक आज का दिन है और 2 दिन और हैं हमारे पास. तो और एक स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिले एक वीडियो के अंदर सोनू निगम जी के साथ में, उस वीडियो में वो शूट के वो हिस्सेदार बने. और जब वो वीडियो हर चैनल पे चलेगी, हर जगह जाएगी, तो जब वो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के चले जाएंगे, जैसे सोनू निगम जी ने अभी कहा कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको शायद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, बट लेकिन व्हेन यू विल बी आउट फ्रॉम द कॉलेज यू विल रिमेंबर दिस कॉलेज डेज. और फिर वो आप वीडियो देखेंगे जब चलाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैं भी इस वीडियो का हिस्सा था और मैं यहाँ था, और फिर आप अपने कॉलेज से रिलेट कर सकेंगे. इट्स रियली अ वेरी प्राउड मूवमेंट. इट इज प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हेयर, ऑल द पाइपियंस. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी टीम के, सबसे पहले विभास जी के, क्योंकि विभास जी हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और यहीं से ही हैं, हरियाणा से, करनाल से. और इन्होंने अभी अपनी आप एक डेब्यू किया है बॉलीवुड मूवीज में, तो जिनके अभी पीछे सॉन्ग्स आए थे, तो जिसमें से सोनू निगम जी ने अपनी आवाज़ दी है और श्रेया घोषाल और बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है. तो आज इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आयुष मेहरा भी आए हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर फेस अमंग यंगस्टर्स. तो बहुत से लोग जो हैं जो कॉलेज रोमांस सीरीज देखते हैं तो वो इनको जानते हैं, और हमारे घर में बच्चे भी जानते हैं. तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है कि जब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आपके कॉलेज के नाम से जुड़ती हैं और ये फॉरएवर हमेशा रह जाती हैं, ये मेमोरीज बन जाती हैं, आई गेस. सर ने बोला मेरे साथ ये बात ही मत करना कभी, यहीं पे बात खत्म कर दी कि पैसा नहीं है ऐसा, उसके बाद बोलना भी मत गाना रिकॉर्ड करने के लिए. मेरा पैशन है गाना, पैसे कमाना मेरा पैशन नहीं है. तो जब सोनू जी जैसे लेजेंड, लिविंग लेजेंड, और उनका मेरे सर पे हाथ है तो और क्या चाहिए. यू नो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी. आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू. I
I just want to, because everything has already been covered, I would say that he started his career and till date he has sung. Limited absence. So that means music is straight from the heart, and I always define music as an international language. So you're already... No, I was trying to blow my own trumpet, sorry. So I think with this kind of a profile, I would definitely say it's not Sanbas. So loud applause for him. What more to say? के तो ध्यान से जाना थैंक यू एवरीबॉडी गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर